हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, वेलकम टू द डिवाइन फैमिली। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है रेनू और मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए ढेर सारे मैसेजेस। ये है टाइमलेस रीडिंग, तो जब भी आप ये देखोगे कुछ मैसेजेस या पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। तो अगर करती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें तो मैं अनाउंस करना चाहती हूँ कि 30 अप्रैल को मेरा अपकमिंग वर्कशॉप जो स्टार्ट हो रही है, 2 वीक्स की वर्कशॉप है ये। आप हील करोगे 11 पावरफुल आर्कएंजल्स के साथ अपनी लाइफ के जिस भी हिस्से को हीलिंग की ज़रूरत है आप हील कर पाओगे। फिज आपको भी पर्सनल हीलिंग के लिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली अगर आप किसी भी लाइफ के किसी भी हिस्से को हील करना चाहते हो तो ये वर्कशॉप आपके लिए बहुत पावरफुल और अमेजिंग हो सकती है। तो अगर आप इनरोल करना चाहते हैं आप मुझे या मेरी टीम मेंबर को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारे नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो आज का थीम क्या होने वाला है, सबसे पहले यहाँ पर है डीप डाइवर, डाइविंग इन टू अ टास्क। आज आप कुछ ज़्यादा ही गहरे इमोशंस में डूब सकते हो, तो कुछ इमोशनल लाइफ से रिलेटेड आपके कुछ चेंजेस भी आ सकती हैं। यहाँ पर कुछ ना कुछ रिलीज करते भी नज़र आ रहे हो मुझे, क्योंकि यहाँ पे 10 है। तो किसी तरह की एंडिंग, रिलीजिंग ऑफ इमोशंस, किसी तरह के जो भी इमोशंस रिलीज होने की ज़रूरत है उनको आप रिलीज कर पाओगे, समझ पाओगे। और यहाँ पे इंट्यूटिव भी आप काफ़ी रहने वाले हो, इंट्यूशन भी आपकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाली है आज, जिसमें आपको काफ़ी सारे मैसेजेस भी मिल पाएंगे। चाहे आप कॉन्शियसली रिलीज़ करो या अनकॉन्शियसली रिलीज़ कर रहे हो, पर डेफिनेटली आपके कुछ ना कुछ यहाँ पे लाइफ में से रिलीज़ हो रहा है जिसकी वजह से आपको रिलीफ मिलेगा। और कौन सी एनर्जीज अवेलेबल होंगी आज के लिए, यहाँ पर है एंकर जो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको आज अपनी माइंड बॉडी सोल की सुनने की ज़रूरत है, अलाइनमेंट में आने की ज़रूरत है। थोड़ा पॉज लीजिए, पहचानिए। अगर आपकी बॉडी को आराम की ज़रूरत है, रेस्ट की ज़रूरत है, तो नैप लीजिए, ब्रेक लीजिए, ठीक है। सोल से कनेक्ट होने के लिए, आपको अलाइनमेंट में आने के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए, प्रेयर से जुड़ना चाहिए, अपने इमोशन से कनेक्ट होना चाहिए। तो इस तरह के ठहराव की या ब्रेक की ज़रूरत है ताकि आप धीरे धीरे अपने आप को अलाइनमेंट में लाते हुए आगे बढ़ें। तो धीरे धीरे ब्रेक लीजिए काम के बीच में और सुनिए ध्यान से कि क्या चल रहा है। यहाँ पर है टीयर सैडनेस, तो किसी तरह की ये सैडनेस जो यहाँ पे ग्रीफ है, फॉरगिवनेस इससे रिलेटेड हो सकता है, जो मैंने इमोशनल लाइफ में भी कुछ चेंजेस इस तरह की, और ये रिलीज के भी हो सकते हैं कि ये सैडनेस जो आ रही है, ये टीयर जो आ रहे हैं आपकी आंखों में, तो कुछ आप रिलीज कर रहे हो, किसी तरह के इमोशंस को आप रिलीज कर पा रहे हो, हील कर पा रहे हो। तो यहाँ पे क्लिंजिंग एंड हीलिंग हो रही है आज आपकी, हो रही है जिनसे आप कनेक्ट कर रहे हो या लोग आपके तरफ आ रहे हैं उनसे कनेक्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे फॉरगिवनेस है, या आप फॉरगिव कर पा रहे हो, सोच पा रहे हो और रिलीज कर पा रहे हो। लॉस, तो यहाँ माउस जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ आप चीज़ों को पहचान पाओगे, आपके सामने आ पाएंगी। ये कुछ आपके लिए सरप्राइजिंग भी हो सकती हैं, ये कुछ मैसेजेस हो सकते हैं, ये कुछ सिचुएशन हो सकती है। लेकिन और साथ में यहाँ पर आप लेट गो करने में आपको हेल्प मिलेगी जब आप इन चीज़ों को देख पाओगे, अच्छे से डिटेल को देख पाओगे कि क्या हो रहा है एक्चुअल में आपके साथ या किसी और के साथ, तो आप समझ पाओगे यहाँ पर सिचुएशन। स्टार है यहाँ पर, होप होगी, पॉजिटिविटी होगी। ये सब होने के बावजूद जो भी हो रहा है रिलीजिंग के लिए, हीलिंग के लिए, क्लिंजिंग के लिए, ये जो भी हो रहा है इसके बावजूद जो है ना, आप होप से जुड़े रहोगे, क्योंकि आपको भी पता है ये कि ये जो भी हो रहा है आपके फायदे के लिए हो रहा है। तो इस वजह से आपका होप से जुड़ना, होपफुल रहोगे आप, पॉजिटिव रहोगे और अपने आप की हेल्प भी करोगे इस वजह से, क्योंकि आपको पता लग रहा है कि ये यूनिवर्स आप ही के लिए कर रहा है जो एनर्जीज अवेलेबल हैं आपकी क्लिंजिंग हीलिंग के लिए, राइट। इस वजह से आप जो है पॉजिटिव फील कर पाओगे, होपफुल फील कर पाओगे कि सब कुछ ठीक हो रहा है। और क्या हो सकता है आज के दिन,
ये कोई पर्सन हो सकता है जिससे आप कनेक्ट हो रहे हो आज, पर्सन हो सकता है आपका कोई खुद का मूवमेंट, कोई मेमोरी हो सकती है जिसके साथ आप कनेक्ट कर रहे हो, जिस वजह से आपको रिलीजिंग और हीलिंग में, लेट गो करने में हेल्प मिल रही है आज के, और अपने हार्ट चक्र की एनर्जी से आप कनेक्ट कर पा रहे हो और हील कर पा रहे हो। फॉरगिवनेस है यहाँ पर, तो कोई पर्सन आपके लिए फॉरगिवनेस के लिए बोल सकता है, या आप किसी को फॉरगिव कर पा रहे हो, तो अचानक से आज आप किसी को फॉरगिव कर पाओगे, अचानक से आप रिलीज कर पाओगे, अपने आप को रिलीफ करोगे, अपने आप को मुक्त करोगे यहाँ पर रिलीज करके और हील करके हार्ट चक्रा की, और साथ में यहाँ पर किसी को आप अचानक से फॉरगिव भी कर सकते हो। ये आपका कोई बच्चा हो सकता है, ये आपका सोलमेट हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है, ब्रदर सिस्टर, यंगर ब्रदर सिस्टर, तो आप बड़ा दिल रख के आज आप फॉरगिव कर पाओगे और रिलीज कर पाओगे। यहाँ पर अगर आपने पास्ट में कुछ एक्शन लेना चाहते थे, अगर नहीं लिए, तो टुडे आज का दिन वो होगा कि आप कुछ एक्शन ले पाओगे, तो आप इस लॉस में नहीं डूबे रहोगे। शायद ये पास्ट का वो था, किसी तरह की गिल्टी कि आपने पास्ट में कोई आपको लॉस हुआ क्योंकि आपने एक्शन नहीं लिया, तो किसी तरह के एक्शन भी है यहाँ पे। अचानक से कोई आप एक्शन ले सकते हो, अचानक से चीज़ों को समझ सकते हो जो आपको आगे बढ़ने में, आपको सही रास्ता दिखाने में, कि कौन सा रास्ता आज आपको चूज करने की ज़रूरत है, डिसीजन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको अपना रास्ता, अपनी जर्नी साफ साफ नज़र आ सकती है। आज अचानक से आपको पता लग सकता है कि ओ मुझे इस रास्ते पर जाना है, मुझे ये करना चाहिए, तो अचानक से काफ़ी चीज़ें आपको, जैसे मैंने बोली, डिटेल में समझ आ सकती हैं कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ये अलग अलग सिचुएशन हो सकती हैं जो भी यहाँ पर हो रहा है, या एक ही सिचुएशन में ये सब कुछ हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। आज के लिए क्या रहेगी आपकी ब्लेसिंग्स, यहाँ पर है प्रॉस्पेरिटी, कुछ एंडिंग होने को है, तो जो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 10 है, ठीक है, और साथ में आपके पास आज ऑप्शंस अवेलेबल होंगी, ऑप्शंस ऑप्शन हो सकती हैं, रास्ते हो, दो रास्ते हो सकते हैं कि किस रास्ते में। यहाँ पर आपको अपनी ग्रोथ के लिए आइडियाज भी दिए जाएंगे, किस तरह से आप अबंडेंस को क्रिएट कर सकते हो, किस तरह से आप अपने अपनी लाइफ को जी सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, अबंडेंस को क्रिएट कर सकते हो, वो आज आपको ब्लेसिंग रहेंगी। इस तरह के आइडियाज आपके पास आएंगे, और साथ में आप किस तरह से ब्लेस्ड फील कर सकते हो, किस तरह से अपनी ब्लेसिंग्स के साथ जुड़ सकते हो, वो भी आपको पता लगेगा कि किस तरह से नेगेटिविटी को क्लिंस करके, हील करके, किस तरह से आप अबंडेंस के दरवाजे खोल रहे हो। यहाँ पर किसी ना किसी रूप में आप अबंडेंस को फील कर सकते हो, किसी की हेल्थ बेटर हो सकती है आज, अबंडेंस के रास्ते से खुल सकते हैं, आप वैसे मेंटली इमोशनली बेटर फील कर सकते हो आज, किसी न किसी तरह से अबंडेंस को भी आज आप फील कर पाओगे। या आज आप अच्छा आज लंच या डिनर पे जा रहे हो, तो उस वे में आप अबंडेंस को इंजॉय कर पा रहे हो, किसी न किसी रूप में अबंडेंस को इंजॉय करना भी आज ब्लेसिंग्स रहेगी आपके लिए। और मैसेजेस देख लेते हैं, यहाँ पर अगेन टीयर ड्रॉप्स है, तो डेफिनेटली यहाँ पर टीयर, तो किसी तरह की इमोशनल रिलीज है अगेन, तो मुझे वो बार बार इमोशनल क्लिंजिंग, हीलिंग का दिन है आज का, तो ये चीज़ें आप जो है आज आप रिलीज कर रहे हो, समझ रहे हो, काफ़ी किसी तरह की इमोशनली एंडिंग है यहाँ पर, इमोशनल किसी सिचुएशन की एंडिंग है यहाँ पर। वाज है यहाँ पर सीक्रेट एडमायरर, यहाँ पर ये भी मैं बोलूंगी कि कहीं ना कहीं आपका वाज जो ये घड़े जैसा नजर आ रहा है, ग्लास जैसा, इसको खाली करने की जरूरत है। जो भी यहाँ पर किसी भी तरह के नेगेटिव इमोशन स्टक हैं, रिजेंटमेंट है, गिल्टी है, किसी को फॉरगिव नहीं किया, वो सारी चीजें आप आज आपको खाली करने की जरूरत है, रिलीज करने की जरूरत है, क्योंकि वो नेगेटिव है इमोशंस, उन इमोशंस को रिलीज कीजिए, क्लिंस कीजिए, हील कीजिए अपने हार्ट चक्रा को, तो वो जब आप रिलीज करोगे तभी आप अपने हार्ट चक्र को हील कर पाओगे। चेंजेस इन योर लाइफ, तो मून है यहाँ पर, किसी तरह की मूड स्विंग भी हो सकते हैं आपको, कभी आप खुशी फील कर सकते हो, कभी थोड़ा सैड फील कर सकते हो, तो इमोशनल यहाँ पर इमोशन के अप डाउन होने के चांसेस हैं यहाँ पर। और अगेन फुल मून मुझे रिलीजिंग के बारे में बताता है कि रिलीज करना, एम्प्टी करना, तो निकलने दीजिए जो ये आंसू निकल रहे हैं आपके, तो फ्री हो रहे हो आप, तो ये कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है ना, कि ये सब होने के बाद
आज मतलब अपने आप को फ्री कर रहे हो, अपने आप को लाइट कर रहे हो, अपने आप को फ्रीडम दे रहे हो आज। किसी तरह की न्यूज़ भी हो सकती है जो आपकी तरफ आ रही है, ये न्यूज़ इस फॉरगिवनेस के से रिलेटेड हो सकती है। तो आज कुछ मैनिफेस्टेशन जो हो सकता है कि किसी पर्सन को या कोई सिचुएशन को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो ये आपका टारगेट आज अचीव हो सकता है कि आप वो मैनिफेस्ट कर पाए। तीर जो है ना वो निशाने पर लग गया है यहाँ पर। विजडम से जुड़ने की जरूरत है, ये विजडम कहीं ना कहीं कोई पर्सन आपको समझा रहा है, एडवाइस दे रहा है, या आप अपने आप को, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। तो ये जो इनर विजडम आपको आज मिल रही है उससे आपको सुनने की जरूरत है, क्योंकि वो हेल्प करेगी आपको आगे बढ़ने में, आपकी जर्नी में। तो इस जो भी कोई लेडी है वो उसके रिलेटेड भी कोई न्यूज़ हो सकती है। मुझे ये मैसेज मिल रहा था कि ये न्यूज़ जो आपकी तरफ आ रही है वो इस लेडी की से रिलेटेड भी हो सकती है, या ये लेडी आपके पास न्यूज़ लेके आ रही है, तो ये भी हो सकता है। फैदर मैं बोलूँगी किसी तरह के साइन एंजल्स की तरफ से आपको मिल सकते हैं कि क्लिंजिंग हीलिंग जो भी आपकी चल रही है, ताकि आप बेटर फील कर सको। या फिर ये फैदर अगेन बहुत लाइट लाइट वेट करना, अपने आप को लाइट करना, हल्का करना अपने आप को क्लिंजिंग और हीलिंग की वजह से। और लास्ट में वाओ, तो लास्ट में ये है कार्ड, तो लव, हार्ट चक्र का जुड़ना, हील होना, कंपैशनेट की एनर्जी से दोबारा से जुड़ना। तो यहाँ पर इससे पहले कि हम लोग कृष्णा मैसेज लें, तो मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ जो मेन एनर्जीज आज फोकस में रहेंगी तो मैं वो ही दो तीन चार लूंगी। हार्ट चक्र है यहाँ पर, तो अगेन मैं बोलूँगी क्लिंजिंग हीलिंग, या हार्ट चक्र, या कोई दिल आपको देने आ रहा है, या फॉरगिवनेस मांगने आ रहा है, या आप फॉरगिव करके अपने आप को हल्का कर रहे हो यहाँ पे अपने हार्ट को। सबसे पहले ही निकला था अकेला ही, तो यहाँ पर स्टार की एनर्जी है, जो स्टार पहले भी निकला, होपफुल होना कि सब कुछ ठीक हो रहा है। तो यहाँ पे भी जो फेरी है वो थोड़ा उदास बैठी हुई है, तो कहीं ना कहीं अगेन आपके इमोशंस जो भी स्टक हुए हैं, मैं बोलूँगी कि उससे आप अपने आप को फ्री करोगे और आप स्टार सीड हो सकते हो। फन एनर्जी है यहाँ पर, डेफिनेटली बच्चों की एनर्जी है, तो जो यहाँ पे भी मुझे लग रहा था, तो फन एनर्जी में भी जा सकते हो, क्योंकि ये छोटा सा, चाहे छोटा सा है घोड़ा है, तो कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग भी हो सकती है, या कोई आपकी तरफ आ रहा है। तो रॉक करने वाले हो आप एट द एंड ऑफ द डे, मुझे मैसेज मिल रहा है कि सब कुछ फ्री होना, आपके अकॉर्डिंग होना, क्योंकि यहाँ पे टारगेट भी है। ये भी हो सकता है, मुझे मैसेज मिल रहा है कि ये सारी सिचुएशन आपने मैनिफेस्ट की है, क्योंकि आप अपने आप को हील करना चाहते थे, तो कईयों ने ये मैनिफेस्ट की है, जो भी ये सिचुएशन है। आप लोगों के लिए काली माँ का मैसेज देख लेते हैं यहाँ पर। द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनमी विदाउट फाइटिंग। तो यहाँ पर आपको किसी से भी फाइट नहीं करना है, रिलैक्स करना है, हार्ट चक्र की एनर्जी को से जुड़ना है आपने, ठीक है। तो हील कीजिए अपने आप को, फिर से ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट कीजिए जिससे आप फिर से गिल्टी फील करें या किसी को ब्लेम करें। यहाँ पर जो भी हो रहा है उसे पीस में रहकर उसको सॉल्व कीजिए, जो भी सिचुएशन है आपकी, और साइलेंट रहिए, ड्रामा ना ही तो क्रिएट करने दीजिए और ना ही खुद क्रिएट कीजिए, ठीक है। फाइनल मैसेज देख लेते हैं कृष्णा का यहाँ पर, कि हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं और स्पिरिचुअल, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स नहीं हैं, वी आर नॉट ह्यूमन बींग्स हैविंग अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, वी आर स्पिरिचुअल बींग्स हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, इसलिए जो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस है उनमें ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग फिर से लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं। स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहना वो ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक सिचुएशन में क्या लेसन्स रहे हैं आपके, या स्पिरिचुअली आप किस तरह से अपने आप को ग्रो कर सकते हो हर सिचुएशन में, उसके लिए आप अपनी हेल्प करना, उस पे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं
कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी है. थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ.